Hello everyone, welcome to Feel Fit 24/7. First of all, I would like to thank you all for viewing my videos and liking them and giving me your feedback. Thank you so much. That is really, really motivating, and I am trying my best to give my best. Okay, so after so much of request and so much of persuasion, I must say, everyone is like, talk about diet. Everyone is like, diet. But before talking anything about diet, let me talk about some general things. Dekho, giving a diet chart. एक डाइट चार्ट देना बहुत ही आसान काम है. कुछ नहीं करना, सुबह 6 बजे ये खाना है, 8 बजे ये खाना है, 10 बजे ये खाना है. इट्स रियली इजी. बट यस, हैविंग द डाइट बेसिक्स एंड द डाइट डूज एंड डोंट्स इज मोर इम्पोर्टेंट. आप फील्ड में हैं, आप क्लासरूम में हैं, आप प्लेग्राउंड में हैं, आप घर में बिजी हैं, सोसाइटी में गए हैं, पार्टी में गए हैं, कहीं और गए हैं, वहां वो जो 8 बजे लिखा हुआ है उसे कैसे फॉलो करोगे? तो यू शुड बी स्मार्ट इनफ व्हाट टू ईट, व्हेन टू ईट, हाउ मच टू ईट, राइट? यू शुड बी स्मार्ट इनफ अबाउट दैट. तो कमिंग टू आवर पॉइंट, आई विल स्टार्ट फ्रॉम द डाइट बेसिक्स फ्रॉम टुडे. ओके okay, diet. What I feel, and I have seen so many diet charts and so many things, when I talk about diet, what I feel is that it's lack of nutrition. People either they don't eat the quality or they don't eat the quantity, right? जो एक टोटल कैलोरी काउंट है वो ही मैक्सिमम लोगों को मालूम नहीं है कि कितनी कैलोरीज उनको डेली लेनी है. पहले डाइट बेसिक्स की बात करते हैं कि ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिशन एंड ड्यू टू पुअर ईटिंग हैबिट्स. पुअर ईटिंग हैबिट्स कैसे बोलेंगे? सुबह ब्रेकफास्ट किया है, शाम तक कुछ नहीं खाया, दिन में चाय वाय पी ली, रात को डिनर कर लिया. तो स्पेसिंग इज रियली इंपॉर्टेंट. देन सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ है, रात को एकदम से खाने को मिला तो बहुत सारा खा लिया, दैट इज अ प्रॉब्लम. तो क्वांटिटी, क्वालिटी एंड द स्पेसिंग बिटवीन द मील्स रियली इंपॉर्टेंट. तो ये जो इम्प्रॉपर ईटिंग हैबिट्स हैं और लैक ऑफ न्यूट्रिशन, अभी न्यूट्रिशन की बात नीचे करेंगे, इन दोनों की वजह से हो क्या रहा है, बेसिक प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं. गैस्ट्रोएंटाइटिस, गैस. सुबह 6 बजे उठे हैं, नाश्ता 10 बजे कर रहे हैं, गैस हो जाती है. यार पेट में कुछ हो रहा है? वो कुछ नहीं हो रहा है. आप सुबह उठे हो, उठते ही यू नीड फूड, वो नहीं मिल रहा है बॉडी को, ठीक है? गैस्ट्रोएंटाइटिस है. इम्प्रॉपर ईटिंग हैबिट से आपको डायबिटीज हो सकती है, आपको ओबेसिटी हो सकती है, और बॉडी को प्रॉपर प्रोटीन और न्यूट्रिशन ना मिले तो आपको लेटर स्टेजेस में ऑस्टियोपोरोसिस, आर्थराइटिस, और जिसे कहते हैं ना कि लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर्स शुरू हो जाते हैं, दैट लीड्स टू बिगर प्रॉब्लम्स. ओके, तो बहुत सारे सवाल उठते हैं कि हमारे जो डाइटिंग हैबिट्स है उसे क्या चीज कंट्रोल करती है. सबसे पहले तो है, हम लोग, मैंने ऐसा देखा है कि हम लोग पेन नहीं लेते अपनी डाइट के लिए. हम कन्वीनियंस देखते हैं, यार इस समय क्या अवेलेबल है. तो कन्वीनियंस बहुत बड़ा फैक्टर है. उसके बाद अवेलेबिलिटी, ऑब्वियसली कन्वीनियंस, अवेलेबिलिटी, देन अफोर्डेबिलिटी भी एक चीज है, कब क्या चीज कितने टाइम तक. उसके बाद है सोशल प्रेशर. आजकल सोशल प्रेशर बड़ा है. मैं भी घर में जब भी खाना खाने बैठता हूं तो मेरी मम्मी खाने के बाद मीठे का डब्बा पहले सामने रख देती है. मैं उनको समझाता हूं, भाई मुझे ये नहीं खाना है, बट शी इज लाइक, नहीं नहीं थोड़ा तो चलता है. ये जो थोड़ा तो चलता है, यकीन मानो आधी सेहत इसी ने खराब कर रखी है. यार इतना तो डाइट में चाहिए, यार तुम कुछ खाते ही नहीं, यार इतना तो लो, अरे इससे कुछ नहीं होगा. ये सब चीजें
मैं रोज सुनता हूं, और शायद अगर आप एक फिटनेस फ्रीक हैं तो आप भी सुनते होंगे। या तो हम फिटनेस मतलब जिस दिन डाइटिंग शुरू की है उसी दिन फ्रेंड्स का गेट टुगेदर प्लान हो जाएगा एंड यू हैव टू ईट दैट एक्स्ट्रा चीज पिज्जा, होता है। दिस इज सोशल प्रेशर, यू नीड टू कंट्रोल इट और यू नीड टू बी स्मार्ट इनफ। पिज्जा खाना है तो जस्ट से मेरा माइंड वन विल बी थिन क्रस्ट, नो चीज एंड विद लॉट्स ऑफ वेजीज, गिव मी दैट पिज्जा। ठीक है, ये बातें बाद में करेंगे वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आज जो मैं बात करने वाला हूं वो है द कैलोरी मैनेजमेंट और द कैलोरी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, द फर्स्ट थिंग, आपका बॉडी वेट क्या है? पहली बात हम एक इमेजिन करते हैं बॉडी वेट, लेट्स टेक समबडी हु इज 50 kgs, कैलकुलेशन आसान हो जाएंगी। तो 50 kgs के हिसाब से नॉर्मली और जनरली व्हाट वी कैलकुलेट इज, तो 50 इंटू अपना वेट पहले पाउंड में निकालिए, 50 इंटू 2.2 विल मेक इट इन पाउंड्स। ठीक है, समथिंग लाइक 1100 मेरे ख्याल से, तो 110 पाउंड्स। ओके, 110 पाउंड्स हो गया, 110 इंटू 12। नॉर्मल हेल्दी लाइफस्टाइल की बात कर रहा हूं, ना तो डाइटिंग की बात कर रहा हूं, ना प्लस की बात कर रहा हूं, ना माइनस की बात कर रहा हूं, नॉर्मल ईटिंग या नॉर्मल हेल्दी लाइफस्टाइल की बात कर रहा हूं। तो वी व्हाट वी टेक इट एज योर वेट इनटू 2.2 दैट विल कन्वर्टेड इनटू पाउंड्स। तो 110 पाउंड्स इनटू 12, ये जो भी 1300 1250 समथिंग लाइक 1300 कैलोरीज आएगा। अब इस 1300 कैलोरीज की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? ठीक है, सबसे पहली बात, आपको प्रोटीन कितना चाहिए बॉडी में? अब मैं पहले एक वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं, बट आज मैं फिर ये बताऊंगा। आपका जो बॉडी वेट है इनटू 0.8 टू 1.2, यानी कि 50 किलो की हम बात कर रहे हैं, 50 किलो इनटू 0.8 दैट इज योर मिनिमम, 40 ग्राम्स प्रोटीन मिनिमम। मैक्सिमम जो वर्कआउट कर रहे हैं या हेल्दी लाइफस्टाइल, मैं एक्सेसिव वेट ट्रेनिंग की बात नहीं कर रहा हूं, हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए और हेल्दी वर्कआउट, एक बैलेंस्ड डाइट की बात कर रहे हैं, तो इनटू मैक्सिमम 1.2 विल मेक इट 60 ग्राम, यानी 40 ग्राम से 60 ग्राम्स तक आप प्रोटीन डेली आपको लेना चाहिए। ओके, तो 40 टू 60 हो गया। अच्छा, इससे पहले मैं ये बता दूं, 1 ग्राम कार्ब is 4 calories, 1 gram protein is 4 calories and 1 gram fat is 9 calories. तो हमने प्रोटीन कितना कैलकुलेट किया, 40 टू 60, चलो हम 50 मान लेते हैं, एवरेज ले लेते हैं, 50 grams प्रोटीन आप रोज लेंगे तो 50 into 4 कितना हो गया, 200 calories. तो 200 calories आपकी चली गई 1300 में से। ओके, 16% टू 20% बॉडी को मिनिमम फैट देना ही देना है आपने। फैट बुरा नहीं होता, फैट इज रिक्वायर्ड फॉर द बॉडी। अब ये फैट का चैप्टर बाद में लेंगे, आज हम कैलोरी डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, गुड फैट्स बैड फैट्स, व्हाई फैट इज नेसेसरी, वी विल टॉक लेटर। तो 16% से 20%, तो हम 20% मार लेते हैं, कैलोरी कैलकुलेट करने में आसानी रहेगी। इट कम्स आउट टू बी 20% कितना हो गया, किसका, 1300 का, 1300 का 20% हुआ 260, तो आपकी 260 कैलोरीज फैट में चली गई, तो 260 फैट में चली गई, 200 प्रोटीन में चली गई, 460 कैलोरीज चली गई आपकी, बची कितनी, अराउंड 840, राइट। तो 840 कैलोरीज आपको कार्बोहाइड्रेट से लेनी है डेली, 840 डिवाइड बाय 4, क्यों, क्योंकि 1 ग्राम कार्ब इज 4 कैलोरीज, तो 840 डिवाइड बाय 4 इज 210, 210 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स आपको रोज लेने हैं। तो आपका कैलोरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया, 210 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स, 50 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, और 260 डिवाइड बाय 9 जो कि आपका हो गया 30 ग्राम्स ऑफ फैट। ठीक है, आई रिपीट, 50 एक 50 kg पर्सन को
हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए कैलोरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा, 50 ग्राम्स ऑफ फैट आपका, 50 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, 30 ग्राम्स ऑफ फैट और आपका हमने कार्ब्स कितना निकाला था, 210 ग्राम्स, राइट। तो दैट विल मेक इट 1300 ग्राम्स। तो आज मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि घर जाकर आप क्या खाते हो सुबह से शाम तक वो लिखो, गूगल की हेल्प लो, आप जो खा रहे हो रोटी सब्जी दाल चावल चिकन फिश एग एनीथिंग ऑन द अर्थ, गूगल पे जाओ न्यूट्रिशन फैक्ट्स खोलो और अपना एक कैलोरी डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करो कि आप क्या आप सही क्वांटिटी में फैट्स कार्ब्स और प्रोटीन्स ले रहे हो। एंड डू मैसेज मी योर फीडबैक्स कमेंट्स एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल फील फिट 24/7। आप मुझे मेल भी कर सकते हो feelfit247@gmail.com, राइट। आज मैं इसी सवाल पर ये वीडियो एंड करता हूं कि क्या आपकी टोटल कैलोरीज और आपकी कैलोरी डिस्ट्रीब्यूशन राइट है। स्टे हेल्दी स्टे फिट, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।